अब बात होगी मुजफ्फरनगर में हुए रिश्तों के कत्ल की। जमीन के टुकड़े के लिए खूनी खेल खेला गया। खेल भी कोई ऐसा वैसा नहीं, भाई ने अपने भाई का कत्ल कर दिया महज 25 बीघा जमीन के लिए। खरपोड़ गांव में हुए इस खूनी खेल के बाद पूरे गांव का माहौल जाहिर तौर पर खराब है। सभी दहशत में है, सभी सन्न है कि एक भाई दूसरे भाई की भी जान ले सकता है। मुजफ्फरनगर में जमीन के लिए खूनी खेल। ककरौली में हुआ रिश्तों का कत्ल। पच्चीस बीघा जमीन के लिए भाई की हत्या। खून के निशान, भीड़ की मौजूदगी और मातम का माहौल। तस्वीरें मुजफ्फरनगर के खरपोड़ गांव की हैं, जहां जमीन के टुकड़े के लिए खेला गया है खूनी खेल। खूनी खेल जिसके बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है। खरपोड़ गांव में खूनी खेल। तस्वीर में इस मासूम के चेहरे को देखिए। इस मासूम चेहरे के साथ जुड़ी है खरपोड़ गांव में हुई खूनी खेल की एक खौफनाक वारदात। ये तस्वीर 15 साल के विनीत की है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। 15 साल का विनीत अपने घर में सबका प्यारा था, जिसे अपहरण कर मौत के घाट उतार दिया गया। आरोप है कि जमीन के एक टुकड़े के लिए विनीत के ही चचेरे भाइयों ने उसकी जान ले ली और अपहरण कर उसका कत्ल कर दिया। चचेरे भाइयों पर कत्ल का आरोप। खून के ये निशान विनीत के ही हैं, जिसके कत्ल की वारदात से पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है। सब सन्न हैं विनीत की हत्या के बाद, और आरोप है उसके ही चचेरे भाइयों पर। आरोप है कि महज 25 बीघा जमीन के लिए चाचा और उसके बेटे ने विनीत का कत्ल किया है। 25 बीघा जमीन के लिए भाई का कत्ल। रिश्तों के कत्ल की ये कहानी बेहद खौफनाक है। विनीत का चचेरा भाई, जो कल तक उसके साथ ही घूमा फिरा करता था, आज उसी पर विनीत के कत्ल का आरोप लगा है। विनीत को गोलियों से मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। तीस जनवरी का वो दिन था जब विनीत का चचेरा भाई ललित उसके घर पहुंचा था। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। भाई की ही गाड़ी में आखिरी बार विनीत को जिंदा देखा गया, क्योंकि वो ललित ही था जो विनीत को जंगल लेकर पहुंचा था। जंगलों में ले जाकर गोलियों से भूनकर विनीत की चचेरे भाई ललित और चाचा जयपाल ने हत्या कर दी। जंगल में हत्या कर शव को फेंका। चाचा और भतीजे ने अपने गुनाह को छिपाया नहीं, बल्कि उन्होंने सबके सामने अपने गुनाह को कबूल किया। आरोपी चाचा और चचेरे भाई ने शव को जंगलों में फेंक दिया और फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जुट गई है। पुलिस को विनीत के हत्यारों की तलाश। ये खारपोड़ की घटना है, जो थाना करौली में आता है। विनीत है, उसके बच्चे जो 15 साल उसके बच्चे की हत्या हुई है, तो उसमें तहरीर मिल गई है। दो लोग खिलाफ मुकदमा लिया गया है, ललित और उसके पिता जयपाल खिलाफ। दोनों गिरफ्तारी प्रयास किए जा रहे हैं। सर, मृतक में जो जिन लोगों को आरोपी बनाए गए, उनमें क्या संबंध? अब यह है कि ललित जो मृतक है, वो मृतक ही रहता था, वो दत्तक पुत्र था, उसी वजह से मतलब जमीन के विवाद में उनकी हत्या की गई है। जमीन के टुकड़े के लिए विनीत का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। फिल्मी स्टाइल में 25 बीघा जमीन को लेकर पहले तो विनीत के कलयुगी चचेरे भाई ने उसका अपहरण किया और हत्या कर फरार हो गया। पुलिस पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज कर चुकी है और जल्द ही दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। अब देखना होगा कि पुलिस के दावे कब तक हकीकत में तब्दील होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।